आप सबके सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन का मैच आयोजित किया गया है और इस मैच में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं। मैच का शुभारंभ करते हैं बॉल मिडफील्ड नीतीश के पास। नीतीश आगे बढ़ते हुए लालू बॉल को पास करने के लिए नीतीश से कह रहे हैं, पर नीतीश लालू को नजरअंदाज करके अकेले ही दौड़े जा रहे हैं। पर ये क्या, लालू ने नीतीश को ही अड़ंगी मार दी और अब बॉल सीधा मोदी जी के पास। उन्होंने बॉल को अमित शाह की तरफ धकेल दिया। अमित शाह ने बॉल को सिसोदिया के टांगों में से निकालते हुए सीधा जेटली को पास कर दिया और जेटली ने बिना टाइम गवाए बॉल को सीधा किक कर दिया और ये गोल। नोटबंदी का पहला सटीक गोल दागते हुए मैच आगे बढ़ गया है और अब ये किक मारी राहुल जी ने। एक बार फिर मोदी जी ने कब्जा कर लिया बॉल लेके वो आगे बढ़ गए हैं। बॉल फिर से अमित शाह की तरफ सरका दी। अमित जी का अचूक निशाना, सीधा किक और फिर से गोल। बेहतरीन प्रदर्शन अब एक जवान खिलाड़ी अखिलेश ऑपोजिशन का मनोबल ऊंचा करते हुए। अखिलेश ने पूरी ताकत से जोरदार किक लगाई पर अफसोस बॉल सीधा अपने बाबत में चढ़ गई। राहुल ने चतुराई दिखाते हुए बॉल पर पकड़ बना ली है, लगा दी ताकत से लात और ये जबरदस्त गोल। राहुल जी खुशी से बावले हो गए हैं पर ये क्या, ओहो अफसोस, उन्होंने खुद की टीम के खिलाफ ही गोल कर दिया है। मैच का नतीजा एकदम साफ, 3 साल का बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन मैच बीजेपी ने 3-0 से जीत लिया है। बीजेपी के सब खिलाड़ियों को मुबारक।